मुसलमानों का एक काफिला मक्के की जानिब रवाना हुआ था। मदीने पहुंचकर अहले काफिला ने इस्तराहत के गरज से कुछ रोज वहीं पर क़याम किया और उसके बाद दोबारा मक्के की तरफ रवाना हो गए। मदीने और मक्के के रास्ते में एक मंजिल पर उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसको वो पहले से जानते थे। उस शख्स ने काफिले वालों के दरमियान एक ऐसे इंसान को देखा जो बड़ी ही खंदा पेशानी के साथ काफिले वालों की खिदमत में मसरूफ था। उस शख्स ने काफिले वालों से दरियाफ्त किया कि क्या तुम इस जात को पहचानते हो जो बड़ी ही खंदा पेशानी के साथ काफिले वालों की खिदमत में मसरूफ है, जिसके वजूद से सालहीन की निशानियां नुमाया है। अहले काफिला ने कहा, नहीं, हम इस शख्स को नहीं पहचानते। यह आदमी मदीने से ही हमारे साथ मुलाक हुआ है। इंतहाई नेक, शरीफ और मुत्तकियों परहेजगार इंसान है। हमने इससे कोई तकाजा नहीं किया है, बल्कि ये खुद ही काफिले वालों की खिदमत में मसरूफ है। उस शख्स ने जवाब दिया कि तुम सही कहते हो, अगर तुम्हें मालूम होता कि ये जात कौन है तो हरगिज उससे इस तरह की खिदमत न लेते। लोगों ने पूछा, आखिर ये शख्स कौन है? जवाब आया, अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम। लोग ये नाम सुनकर लरज उठे और दौड़ते हुए इमाम की खिदमत में पहुंचे और अर्ज की, मौला, यह आपने क्या किया? हो सकता है इस दरमियान हमसे आपकी खिदमत में कोई गुस्ताखी हुई हो। मौला ने फरमाया, चूंकि आप लोग मुझे नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, लिहाजा जानबूझकर मैं आपके हमराह हुआ था कि अगर मैं आशना अफराद के साथ सफर करता तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बुनियाद पर वो लोग मेरा एहतराम करते और मुझे ये खिदमतें अंजाम न देने देते। लिहाजा मैं सफर के दौरान ऐसे अफराद का इंतखाब करता हूँ जो मुझे न जानते हो, ताकि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ और ये सआदत मुझे मैसर आ सके। लिहाजा मैं सफर के दौरान ऐसे अफराद का इंतखाब करता हूँ जो मुझे न जानते हो, ताकि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ और ये सआदत मुझे मैसर आ सके।